गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? और आप लोग क्वेश्चन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको काफी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे होंगे और चैप्टर वन आप लोग से कंप्लीट हो गया होगा, है ना। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस किया था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि लता एंड ममता आर पार्टनर विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लैक्स एंड 2 लैक रिस्पेक्टिवली, शेयरिंग प्रॉफिट एज लता 70% एंड ममता 30% ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। बोलता है कि लता और ममता जो है वो एक फर्म में पार्टनर है, जिसने लता ने लगाया 3 लाख और ममता ने 2 लाख, और लता का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, सबकी लाभ उसे 70% और ममता का 30% ड्यूरिंग द ईयर। द अर्न प्रॉफिट 2,26,440, 2,26,440 बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, द टर्म ऑफ पार्टनरशिप आर एज फॉलोज। सिंपल से ये बात बोल रहा है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है यहाँ पे वो 2,26,440 दिया है, लेकिन बोल रहा है कि बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, मतलब पार्टनर लोन से पहले की बात। आप देखो सिंपल सा है, यहां पर हमको एक चीज याद रखना कि पहले आपको पीएल बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको नेट प्रॉफिट पहले मिलेगा, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे आएंगे। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट आपको मालूम है किस तरीके से, जैसे अभी दिया है क्या कि 2 लाख नेट प्रॉफिट अभी दिया हुआ है, 2,26,440 की प्रॉफिट है, लेकिन लोन जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको हम पहले इसे माइनस कर देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब लोन इसने कितना निकाला भाई ये देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ममता लोन अकाउंट ऑफ रुपीज 80,000 फॉर द होल ईयर, पूरे साल में 80,000 रुपया। अब उस पर सिंपल सी बात है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज होगा, 6%, ठीक है। अब 6% जब इंटरेस्ट चार्ज होगा 80,000 पे, 6% इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है, 4,800 को अब हम पहले माइनस कर देंगे, ठीक है। 2,26,440 यहां पर लिखेंगे, 2,26,440 इसमें से हम 4,800 को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा प्रॉफिट, 2,21,640। ये मेरा ओरिजिनल नेट प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ले जाने का काम करेंगे, ठीक है, ले जाने का काम करेंगे। अब हम किस तरीके से, ये तो समझ में आ गया बच्चों, तो याद रखना ये बन गया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमको एक्चुअल नेट प्रॉफिट बिजनेस का समझ में आएगा, है ना, कि नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है वो नेट प्रॉफिट अभी निकला, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं। इसीलिए हमको नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करना पड़ा। अब मेरे पास जो बचा ये नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। इसको देख लेंगे, उतार लेंगे इसको, नेक्स्ट ये उतार जाएगा, आपको समझ में आ गया ना। अब हमको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शॉर्ट में लिखते हैं ये। तो फॉर्मेट आपको मालूम ही है स्टूडेंट्स,
ये फॉर्मेट बनता है इस तरीके से, हम लोग लगातार बनाते चले आ रहे हैं, और ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अब हमको क्या मिल गया, अब हमको बिना नेट प्रॉफिट, तो बाई नेट प्रॉफिट इधर जाता है ना, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना निकल गया मेरा 221,640, 221,640 मेरा नेट प्रॉफिट अब निकल गया। अब हमको दूसरा कार्य क्या करना है स्टूडेंट, अब हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कार्य करना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। तो कैपिटल कितना भैया, तो लता का, लता ममता है ना, इसका कैपिटल कितना है, इसका है 3 लाख, इसका कितना है 2 लाख, ठीक है। तो अब इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज कर रहा है, क्वेश्चन में दिया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 7%, तो 7% हम इसका निकालेंगे, ठीक है। तो 7 या 21 यानी 21,000 रुपया लता का, फिर 7% इसका निकालेंगे, ठीक है, 7×14, 14,000 इसका, तो टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट 35,000 यहां पे। अब इसको हम यहां पे लिखेंगे 35,000, ये क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमको अब आगे क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या है लता टू गेट ए सैलरी ऑफ ₹2,500 पर मंथ, लता को 2,500 रुपया पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलता है, तो यहां पे आपको पता है ना कि सैलरी भी इधर जाता है, टू लता सैलरी, तो सैलरी किस हिसाब से ले जाएंगे 2,500 इंटू टू है, क्योंकि हम साल का अकाउंट बनाते हैं एक महीने का नहीं, तो 2,500 इंटू टू है 12 महीने में कितनी सैलरी मिली होगी, तो 30,000 इसको सैलरी मिली, बात समझ आ रही है। अब यहां पे अब हमको देखना क्या है टोटल, यहां पे अब मेरा इस इसको हम टोटल क्या करेंगे, अब इधर देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन बाई नेट, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किसका, लता का और ममता का, तो लता और ममता का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना हो जाएगा भाई, टोटल ड्रॉइंग इसने कितना किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर एट 8% एन एम पर एन एम, ड्रॉइंग बीइंग लता 36 एंड ममता 48,000, यानी कि 36,000 लता ने निकाला और ममता ने 48,000 निकाला, और इस पे इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा है 8%, तो 8% यहां पे अगर हम चार्ज करेंगे 36,000 इसने निकाला और इसने निकाला 48,000, ठीक है। अब यहां पे जब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे इसका हो जाएगा 1,440 और इसका हो जाएगा 1,920, ठीक है ना। अब टोटल को जोड़ के इसमें लिखेंगे है ना स्टूडेंट, क्या कितना लिखेंगे 3,360 इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब हम इसको क्लोज करेंगे कितना होंगे बच्चों, ये टोटल हो जाएगा आपका 2,25,000, 2,25,000 ज्यादा है, इधर देखो 35,000 है, इधर 30,000 है, 65,000 टोटल, इधर क्या 221,640 और इधर क्या है 3,360 जोड़ेंगे तो 2,25,000 ज्यादा है, डेबिट से क्रेडिट ज्यादा है, तो दोनों तरफ क्लोज करेंगे 2,25,000। अब 2,25,000 में से हम घटा देंगे किसको 65,000, 2,25,000 में से हम घटाएंगे किसको 65,000, यहां पे कैलकुलेशन कर रहे देखोगे 2,25,000, 2,25,000 माइनस 65,000, 65,000 तो क्या बच गया स्टूडेंट 1,60,000, 1,60,000
अब 160,000 जो मेरे पास बच गया, अब इस पे क्वेश्चन आगे बोलता है कि 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है ना, ये था निकाल गया ना, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो गया क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस तो होगा ही इसमें से 35,000 और 30,000, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो हुआ, जो ये बटने वाला प्रॉफिट है, इसका बोलता है कि 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 1/10 भाग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहिए, है ना। तो 160,000 का 1/10 निकालेंगे तो कितना हो गया स्टूडेंट, 16,000। अब ये 16,000 को हम यहां पे ले जाएंगे टू जनरल रिजर्व, कितना भैया 16,000, है ना, 16,000 रुपया इधर चला गया। अब हम टोटल को देखेंगे तो 2,25,000 माइनस 1 को 35,000 और 30,000 और 16,000, ये सारे अमाउंट्स को जब हम माइनस करेंगे तो मेरा प्रॉफिट बच जाएगा 1,44,000। आप देख लीजिए आंसर में है 1,44,000। 1,44,000 जो है यही लता में और ममता में बट जाएगा। बात समझ में सिंपल, आप बना के देखेंगे। पहले हमने क्या किया इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में कि पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट को फाइंड किया, शुद्ध प्रॉफिट को, क्योंकि अमाउंट तो मेरा 2,26,640 दिया था नेट प्रॉफिट के रूप में, लेकिन बोल रहा था कि ये प्रॉफिट जो है बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो हम आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन को नेट प्रॉफिट मानते हैं ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जब माइनस होगा तभी तो शुद्ध नेट बचेगा। तो पहले वाले में करके दिखाया आपको, तो शुद्ध बच गया कितना, मेरे पास बच गया था 2,21,640। अब 2,21,640 मेरा नेट प्रॉफिट हो गया, एक्जैक्टली एक्चुअल नेट प्रॉफिट। इसको हमने क्रेडिट में लाया और क्रेडिट में लाने के बाद उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लता पर और ममता पे जो 7% चार्ज किया गया था वो मैंने निकाला, और टू लता सैलरी, जो लता को सैलरी मिलता है 2,500 रुपया पर मंथ के हिसाब से, तो 12 से इंटू कर दिया 30,000 रुपया। तो आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी ऑफ द पार्टनर, देन उसके बाद जो अमाउंट बचा वो नेट प्रॉफिट हुआ, डिविजिबल प्रॉफिट हो गया 1,60,000। अब डिविजिबल प्रॉफिट पे बोलता है 1/10 भाग शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सुने, तो 1/10 1,60,000 का 1/10 निकाला तो जनरल रिजर्व में मैंने 60,000 ट्रांसफर कर दिया। अब हम टोटल को माइनस करेंगे, इधर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल कर बताया था 36,000 लता ने पैसा निकाला, 48,000 रुपए इसने निकाला ममता ने। अब दोनों पे कितना परसेंट चार्ज हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 8% हमने निकाला तो 1440 और 1920 ये 3,360, ये प्लस हो गया तो 2,25,000 हो गया। अब हम इसको जितना भी मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी जनरल रिजर्व को माइनस किया तो बचा 1,40,000। बस मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, माइंड बैठ गया होगा, बात है ना। अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होती होगी, उम्मीद तो यही करते हैं, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 14 डीके गोयल, क्वेश्चन नंबर 14 था, ठीक है। इसको आप लोग समझे अच्छे से, बनाए और प्रयास करें और आगे क्वेश्चन बनाने का, ओके। अब हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। अब दूसरा टॉपिक पे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कभी भी एग्जाम में आता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है तो कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5 की, जैसे क्या बोलता है क्वेश्चन, मिस्टर अशोक गुप्ता इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ठीक है, एक फर्म में गुप्ता जो है पार्टनर, ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। बोलता है कि उसने इस साल में पैसा इस तरीके से निकाले, किस तरीके से देखते हैं, अप्रैल तक 30 अप्रैल को 8,000 निकाले, 30 जून को इसने 6,000 रुपए निकाले और 30 सितंबर को इसने 5,000 रुपए निकाले और दिसंबर 31 को इसने 12,000 रुपए निकाले, जनवरी 31 को इसने 10,000 रुपए निकाले। तो फाइंड करने क्या बोलता है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो टोटल इसने ड्रॉइंग किया
कैलकुलेट कीजिए एट द रेट ऑफ 9% पर एनम फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2014। बोलता है सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल के दिखाइए किसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा ऐसे करेंगे इस तरह, उसके बाद यहां पे ले लेंगे डेट, ठीक है, यहां पे ले लेंगे अमाउंट कितना निकाला, और यहां पे ले लेंगे पीरियड कितने मंथ हुए, और यहां पे ले लेंगे इंटरेस्ट एट द रेट, है ना। ये आप समझ में आ रहा है। अब यहां पे देखिए अप्रैल 30 को कितना निकाला है इसमें, यहां पे डेट है डेट, फिर यहां पे अमाउंट कितना पैसा कब निकाला, ये अमाउंट है, उसके बाद पीरियड, पीरियड कितना भैया ये भी देख लेंगे, और यहां पे है इंटरेस्ट 9%। क्लियर है, एकदम सिंपली समझेंगे हम लोग। अब 30 अप्रैल को इसने 8000 निकाला, और फिर 30 जून को कितना निकाला भैया 6000 निकाला, ठीक है, उसके बाद सितंबर 30 को कितना निकाला 5000 निकाला, उसके बाद दिसंबर 31 को इसे कितना निकाला 12000 निकाला, उसके बाद जनवरी 31 को इसने 10000 निकाला। यह अमाउंट तो इसने निकाला। अब पीरियड देख लेते हैं बच्चों, हाँ पीरियड देख लेते हैं, तो कैसे भैया आप देखिए आप सिंपल कैसे निकालेंगे, अप्रैल 30 यानी 30 अप्रैल खत्म, स्टूडेंट्स दिमाग लगाइए थोड़ा सा, 30 अप्रैल खत्म, ठीक है, अप्रैल से मार्च तक हमको जाना है, अप्रैल से मार्च का डिस्टेंस क्या है, तो अप्रैल तो खत्म, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना महीना हो गया 11 महीना, क्या हो गया इसका 11, है ना। अब इसमें 30 जून को निकाला, नॉट अ फर्स्ट जून अगर रहेगा तो फिर पूरा महीना ले लेंगे, 30 जून को निकाला तो 30 जून तो जून तो पूरा खत्म, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीना, कितना महीना हो गया, ये हो गया 9 महीना। अब आते हैं सितंबर 30 सितंबर हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ हो गया, उसके बाद दिसंबर 31 में दिसंबर खत्म हो गया, दिसंबर खत्म तो क्या बचा जनवरी फरवरी एंड मार्च 3, जनवरी 31 जनवरी खत्म हो गया फरवरी एंड मार्च 2। अब इस तरीके से हमको पता चल गया पीरियड इसका, ठीक है, अब इसका जो पीरियड हमको पता चल गया तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम सिंपल क्या निकालेंगे, कैसे किस तरीके से निकालेंगे ये सब देख लेते हैं यहां पर। देखो यहां पे 8000 निकाला इसने, ठीक है, 8000 × 11/12 12 महीने का साल होता है, ठीक है, 11/12 × 9/100। आप जब इसको काटोगे तो 0 2 0 ये कट दिया, ठीक है, 3 4 12 3 3 9, आप इसको इंटू करके आप देखोगे डिवाइड टू में आ जाएगा आपका 660। इसी तरीके से 6000 × 9/12 × 9/100, क्योंकि 9 मंथ इसमें 9 तो है, ये परसेंटेज होतीगा नहीं मिलाइएगा नहीं, तो ये 9 जो है ये मंथ है, ठीक है, तो इसमें 9 मंथ हो जाएगा। अब इस पर हम देख लेते हैं तो गड़बड़ी हो जाएगा, अब इसको क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि कितना निकाला 6000 × 9/12 12 महीने के साथ × 9% 9/100 ना। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, फिर इसको काटेंगे, ठीक है, 3 3 9, ठीक है, 3 4 12, ठीक है, फिर आप इस तरीके से करके देखेंगे तो टोटल आपका आएगा 405, फिर इसको लिखेंगे 405, ठीक है। इसी तरीके से आप कैलकुलेट करके देखिएगा पूरे में, तो आएगा इसका 225
इसका आएगा 270, इसका आएगा 150, क्लियर है? इस तरीके से आएगा। कैसे कैलकुलेट करना मैंने दिखाया आपको, ठीक है? 9 मंथ है, फिर 12 से इंटू कर देंगे, फिर 9% है डिवाइडेड बाई कर 6000, 9 मंथ डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 12 महीने का एक साल, ठीक है, हर में 12 से डिवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद 6000 में क्या कीजिएगा, ये 5000 है, जैसे सितंबर वाला 5000 है, इंटू क्या करेंगे 6 महीने, 6/12 परसेंटेज 9/100, क्लियर है? इसी तरीके से करेंगे 225 आएगा आप सेकेंड कर, तो टोटल मेरा जो बचेगा स्टूडेंट यहां पे क्या आएगा, टोटल अमाउंट तो हो जाएगा टोटल 41,000 अमाउंट आ जाएगा। आप इसको जब देखेंगे तो यह आ जाएगा 1710 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉ ऑफ गुप्ता जी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्लियर है? तो ये था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्वेश्चन नंबर 20। इसी तरीके से आप प्रयास करते रहे, उम्मीद करते हैं कि आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा और आप लगातार लगे रहे, है ना? उसके बाद फिर हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चन बचेगा तो डील करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, है ना? आप लोग घर पे मेहनत करें, प्रयास करें क्वेश्चन बनाने का, लगातार चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है? आप लोग टेंशन लें पढ़ाई के प्रति, जरा मेहनत करें, है ना? आप लोग से क्वेश्चन बनेगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर नेक्स्ट डे में देखते हैं, ठीक है? थैंक यू।